मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा और मंत्री परिषद के सम्माननीय सदस्यगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्टेट हैंगर भोपाल में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ कर हरी झंडी दिखाकर विमानों को रवाना भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा एवं मंत्री परिषद के सदस्यों की गरिमा में उपस्थिति में आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जेट एयर सर्विस के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है। हमारी सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और पर्यटन केंद्रों के साथ ही महानगरों में हवाई सुविधा से आवागमन को और अधिक सुलभ बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा का विस्तार करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा सबसे पहले ओंकारेश्वर उज्जैन तक पहुंच रही है। आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार अन्य धार्मिक पर्यटन केंद्रों तक भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना लागू करने, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24,293 करोड़ रुपए की स्वीकृति तथा प्रदेश की रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन सहित कई निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम 3 माह वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं। राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खरगोन में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय और गुना में क्रांति वीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय को डिजिटली लॉन्च किया। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर पीपरी, बलकबाड़ा और चौंडी जामनिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्र को विशेष सौगातें दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि पायलट ट्रेनिंग के लिए विश्वविद्यालय में कोर्स शुरू किया जाएगा। आज ही हमने मध्य प्रदेश के लिए हवाई यातायात सुविधा शुरू की है। आने वाले समय में खरगोन से भी हवाई जहाज उड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधा देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग श्री प्रीतपाल सिंह एवं ब्रिगेडियर SS छिल्लर ने सौजन्य भेंट कर हेडक्वार्टर 21 कॉर्प की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आपदाओं के दौरान सेना द्वारा किए गए त्वरित सहयोग की सराहना की।